बॉलीवुड में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से कदम रखने वाली दीपिका पादुकोण शाहरुख की कितनी अच्छी दोस्त है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अब ये दोस्ती तकरार में बदल गई है। शाहरुख की फिल्म दिलवाले और दीपिका की फिल्म बाजीराव मस्तानी दोनों ही एक ही दिन यानी कि 18 दिसंबर को रिलीज होंगी। वैसे दीपिका को कोई एतराज नहीं है उनके सीनियर शाहरुख के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने में, लेकिन दीपिका लाख जताएं कि वो खुश हैं, बट सच तो ये है कि वो इस बड़े क्लैश से डर भी रही हैं। कुछ वेबसाइट्स में खबरें आई हैं कि दीपिका ने अपने दोस्त शाहरुख को फोन लगाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी फिल्म दिलवाले की रिलीज डेट पुश कर दें। क्या दीपिका इस बड़े क्लैश से वाकई में डर रही हैं? इस फोन कॉल के सच का सामना दीपिका को करना पड़ा और बाहर आई सच्चाई। एक मशहूर अखबार के मुताबिक दीपिका ने इस फोन कॉल को रॉन्ग नंबर बता दिया। दीपिका के बयान के मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई फोन शाहरुख को नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाजीराव मस्तानी फिल्म में उन्होंने कम समय में इतना काम किया है कि उन्हें इन सब में इन्वॉल्व होने का जरा भी टाइम नहीं मिला। शाहरुख के साथ उनका रिश्ता आज भी मजबूत है। लगता है दीपिका SRK से दिलवाले की रिलीज डेट चेंज की रिक्वेस्ट कर उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप को दांव पर नहीं लगाना चाहती हैं। वैसे भी SRK दीपिका की फिल्म क्लैश को लेकर इंडस्ट्री में बातें हो रही हैं और अब ये फोन कॉन्वर्सेशन किसी गर्मा गर्म गॉसिप से कम नहीं। सो कितने एक्साइटेड हो आप शाहरुख और दीपिका का बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने के लिए? नमस्कार, मैं हूँ रणवीर सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पर।